हेलो सुपर ऑडियंस, आप सभी का स्वागत है इंडियन सिल्वर स्क्रीन के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं अजय देवगन की फिल्म भोला की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपनी नई फिल्म भोला को लेकर सुर्खियों में हैं। इसमें एक्टर जबरदस्त एक्शन और स्टंट करते हुए नजर आएंगे, जिसकी झलक फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिल चुकी है। इस फिल्म का प्रमोशन तब्बू और अजय देवगन मिलकर जोरों से कर रहे हैं। यहां तक कि अजय देवगन ने इस फिल्म से जुड़ी एक यात्रा भी शुरू की है, जिसमें अजय देवगन भोला से सजे ट्रक को पूरे इंडिया में टूर कर रहे हैं और ये काफी यूनिक स्टेटस अर्जी है। लेकिन सबको इंतजार है इस फिल्म के एक गाने की। बता दें कि अभी भी इस फिल्म से एक सॉन्ग आना बाकी है और ये सॉन्ग काफी धमाकेदार रहने वाला है। वहीं अब तक भोला से दो गाने रिलीज हो चुके हैं। पहला गाना है नजर लग जाएगी, जिनमें अजय देवगन के साथ अमाला पॉल नजर आई थी, जो कि काफी खूबसूरत सॉन्ग था। इसके बाद एक सैड सॉन्ग रिलीज हुआ, जिसका टाइटल है आधा मैं आधी वो। ये गाना भी काफी जबरदस्त है, जिसे आवाज दिया है बी प्राग ने। वही म्यूजिक था रवि बसरूड का। लेकिन अब बारी है इस फिल्म के तीसरे गाने की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और धमाकेदार गाना है, और वो है इस फिल्म का आइटम सॉन्ग, जिसका टाइटल है आज फिर जीने की तमन्ना है। और इस गाने में अजय देवगन के साथ राय लक्ष्मी नजर आएंगी, जो कि एक साउथ एक्ट्रेस हैं। फिल्म भोला साल 2019 की तमिल फिल्म कैथी का रीमेक है, जिसमें अजय देवगन के साथ तब्बू, दीपक डोबरियाल और संजय मिश्रा जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आएंगे। इसके अलावा साउथ स्टार अमाला पॉल और बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन भी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे। फिल्म 30 मार्च को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है। फिलहाल दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के तीसरे सॉन्ग को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी और ऐसे ही मसालेदार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।